हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सीएसएस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको इमेजेस के बारे में बताऊंगा कि आप इमेजेस को सीएसएस में कैसे स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक डिव ले लेता हूं और यहां पर मैं स्टाइल टैग ले लेता हूं और यहां पर मैं इस डिव की बैकग्राउंड इमेज में सेट करना चाहता हूं। तो बैकग्राउंड इमेज हमारे पास यूआरएल आ जाएगा। URL में हमारे पास img/ यहाँ पर bar.jpg के नाम से है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके सेव कर लेता हूँ और इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इमेज शो नहीं हो रही। इसकी हम डिव की हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं। हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है, पेज को रीलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इमेज यहां पर आ चुकी है। ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ, अब यहां पर इमेज हमें पूर्ण नहीं शो रही। अगर इसको आप 100% में रखेंगे तो ये फिर पूरी शो होगी। ठीक है, 100%। इस तरह विड्थ को भी आप 100% करेंगे तो फिर हमें पूरी इमेज जो है वो शो होगी। पेज को रीलोड करें। ठीक है, इसको हम पिक्सल में देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से भी इमेज को img के टैग में सोर्स इज इक्वल टू img/ /bar.jpg हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं इस लाइन को। तो यह इमेज हमारे पास शो हो रही है। ठीक है, ये इमेज आ गई। अब इस इमेज को स्टाइल करना चाहते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इमेज को चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरी इमेज मैं इस पर अप्लाई कर लेता हूँ। इमेज 4 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, img4। ठीक है, अब पेज को रीलोड करूँ। ठीक है, ये इमेज हमारे पास आ गई। अब इसकी हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हैं, सेट कर सकते हैं। हाइट 400 पिक्सल और इसकी विड्थ आप रखें 400 पिक्सल। ठीक है, अब पेज को रीलोड कर लेता हूँ। ये हमारी पिक्चर जो है डिव डिव के अंदर हमारे पास इमेज है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेज को रीलोड करें, ये देखें। ठीक है, इसी तरह आप इसको परसेंटेज में देना चाहते हैं तो 100% और 100%। पेज को रीलोड करें। ठीक है, ये पूरी इमेज साइज जो ओरिजिनल साइज है वो आ जाएगा। इसी तरह आप इसको कम करना चाहते हैं तो 50% कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी 50% कर सकते हैं। पेज को रीलोड करें, ये 50% आ गई हमारी इमेज। ठीक है, अब जब आप पेज को छोटा करेंगे तो इसका साइज जो है वो आपके पेज के हिसाब से छोटा होता जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिव वेब के लिए आपको ये परसेंटेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी बॉर्डर रेडियस अगर 50% रखेंगे तो ये आप देखेंगे इमेज को जो गोल बिल्कुल गोल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इमेज को अपने जो पेज है उसको छोटा करेंगे तो ये भी उसके साथ रिस्पॉन्सिव होंगे। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर रेडियस को मैं कम कर लेता हूँ, इसको 10% कर लेता हूँ। ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस 10% आ गया। ठीक है, इसके अलावा आप इस पर
बॉर्डर, कलर रेड, ठीक है, बॉर्डर कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस सेट करें, बॉर्डर विथ, विथ हम सेट करेंगे 2 पिक्सल। पेज को रीलोड करें, इसकी आउटलाइन हम सेट कर लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। पेज को रीलोड करें तो इसकी आउटलाइन देखें आप, आउटलाइन जो है वो सेट कर हो गई है। ठीक है, मैं इसके रेडियस को खत्म कर लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस को। ठीक है, आप पेज को रीलोड करें। ठीक है, ये देखें आउटलाइन इसकी सेट होगी। इसके जो पिक्सल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसको मैं 8 पिक्सल कर लेता हूँ। अब मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे इमेज के उस पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा इस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो आ गया 3 पिक्सल, 4 पिक्सल ग्रे। ठीक है, पेज को रीलोड करें तो ये देखें इस पर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, एक्स को मैं कर लेता हूँ 9 और वाई को मैं कर लेता हूँ 14। अब देखेंगे आप इसका शेडो जो है आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा इस पर होवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो होवर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर होवर इफेक्ट लगा लेता हूँ, डिव, बल्कि मैं डायरेक्ट IMG होवर। ठीक है, टॉप मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, इसको मैं -5 पिक्सल कर लेता हूँ। सेव करें, पेज को रीलोड करें। जब आप इस पर होर करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, इस पर ट्रांजिशन लगाएं, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाएं, ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होगा, मार्जिन टॉप इसको 2 सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप 2 सेकंड में। ठीक है, मार्जिन टॉप हमारे पास 2 सेकंड में आ चुका है। सेव करें, पेज को रीलोड करें। टाइम बहुत ज्यादा है तो मैं इसको कर लेता हूँ 1 सेकंड में, 1s में। ठीक है, पेज को रीलोड करें। ठीक है, टाइम को और भी कम करना चाहते हैं तो आप 400 मिली सेकंड में आप इसको सेट कर दें। पेज को आप रीलोड करें। ठीक है, अभी देखिए 400 मिली सेकंड में ही ऊपर की तरफ फोर हो रही है। अगर मार्जिन टॉप ज़्यादा कर दें तो फिर मज़ीद ये अच्छा इफेक्ट आपको शो होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था इमेज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलम के बारे में बताऊंगा, आप कॉलम को कैसे सेट कर सकते हैं। थैंक्स।